ভাই তুই তোর মোটর ভাড়া দে আমি লাগিয়া লাগি বানি বানি বান তো तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरपंच सरफराज खान में। और आज की रेस्क्यू कॉल हमें ग्राम चंदवासा से मिली है, जो कि आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जो पत्थरों की जो एक दीवार बनी हुई है, इस दीवार के अंदर कोई सांप देखा गया है। दोस्तों ऐसी जगहों पर से सांप को पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है उनके लिए, और ऐसी जगहों में ये काफ़ी गैप और स्पेस होती है तो बहुत मुश्किल काम होते हैं दोस्तों सांपों को पकड़ना। और आप देख सकते हैं जिस जगह देखा था वहाँ से करीब 3 फीट इधर से हम उस दीवार को खोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उस सांप को हम उस तरह भी पकड़ सकें। और आप देख सकते हैं यहाँ के ग्रामीण वासी और घर के जो ऑनर हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं काम के अंदर। तो दोस्तों ऐसी जगहों पर सांप पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, और करीब 2 घंटे का रेस्क्यू यहाँ पर चला था दोस्तों, लेकिन हमने इसको थोड़ा शॉर्ट में बनाने की कोशिश की है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी पत्थर हमने हटा दिए हैं और कुछ और पत्थर हटाना बाकी पड़े हैं, तो यहाँ से निकालते हैं उस सांप को, कौन सा और कैसा सांप है, फिर आपको सांप की पूरी जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहें दोस्तों वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी पत्थर हटाए जा चुके हैं और ग्रामीणवासी भी यहाँ पे सांप को देखने के लिए खड़े हुए हैं। तो दोस्तों कुछ और काम बचा है उसको भी हम निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं काफ़ी पत्थर हमने यहाँ से हटा दिए हैं और बहुत ही मुश्किल भरा रेस्क्यू। दोस्तों ऐसी जगहों से सांप पकड़ना वाकई में बहुत ही मुश्किल का काम होता है, और काफ़ी देरी के बाद में सांप यहाँ पर दिखाई दे चुका है। दोस्तों अब थोड़े से और पत्थर और पत्थरों में सांप दिखाई दिया है, तो उसको अब निकालते हैं। दोस्तों बने रहे वीडियो में। दोस्तों आप देख सकते हैं काफी मशक्कत के बाद में सांप को बाहर निकाल लिया है, और ये सांप एक भारत का सबसे लंबी साइज वाला सांप इंडियन रेड स्नेक धामन सांप, और ये सांप किसानों के मित्र माने गए हैं, और इनकी साइज करीब 9 से 10 फीट तक होती है। दोस्तों सांप की साइज देख के लोग किसान डर जाते हैं। दोस्तों वीडियो देखकर कभी भी इनको पकड़ने की कोशिश ना करें, ये आप लोगों के लिए घातक और जानलेवा हो सकता है। और ये सांप एक रेड स्नेक जिसका पसंदीदा भोजन चूहे, सबसे ज़्यादा ये अपने चूहों को शिकार करता है अपने भोजन के लिए, और ये सांप बिल्कुल भी विषैला या जहरीला सांप नहीं होता। लेकिन फिर भी वीडियो देखकर कभी भी इनको पकड़ने की कोशिश ना करें,
क्योंकि ज़्यादातर मौतें बिना जहरीले सांपों को काटने से लोगों की हो जाती है डर और अंधविश्वास की वजह से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस सांप की लेंथ करीब 6 फीट के आसपास, और सांपों को कभी मारे नहीं, ये हमारे प्रकृति के मित्र हैं, हमेशा इन्हें बचाने का प्रयास करें, और कभी भी सांप दिखाई दे तो हमेशा फॉरेस्ट विभाग और रेस्क्यू को कॉल करें ताकि इनकी जान बचाई जा सके। बारिश का मौसम चल रहा है, सांपों की निकलने की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इनके बिल वगैरह बंद हो चुके हैं। तो दोस्तों कभी भी इन जीवों को मारे नहीं, हमेशा बचाने का प्रयास करें। और आप देख सकते हैं इसको हमने व्यवस्थित तरीके से रेस्क्यू कर लिया, और जल्दी हम इसको अपने प्रकृति के अंदर फिर से आज़ाद करेंगे। दोस्तों अपनी जीवन और अपनी ज़िंदगी हमेशा प्रकृति पर्यावरण से बनी हुई है, जिसके अंदर हम और ये बचाएं। तो दोस्तों वीडियो देखकर कभी भी सांप को पकड़ने की कोशिश ना करें, ये आप लोगों के घातक और जानलेवा हो सकता है। तो दोस्तों बने रहे वीडियो में, जल्दी हम इसको अपनी प्रकृति के अंदर छोड़ेंगे। और वीडियो अच्छा लगते हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। करो ये करो तो लिया था करो पर एड्रेस पर फटा हुआ तो नहीं है तो फट तो कौन नहीं है निकल ये फट जगह तो नहीं हो तो कौन फट देख ले हां तो देख ले पापा देख लो ए फट जगह निकल जा फट जगह तो हमें जीवन ले 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 तो जीवानी बांध तो काट रहा थे ये तो फट गया हां ये तो फट गया आम के पास ही ले तो तो रान निकली मैं धीरे धीरे बैठी गाल भर रहा है धीरे धीरे बांध दो और आपको फाड़ दिया ए खाक वाले करी।